मध्य प्रदेश में खाद्य पदार्थों की जांच के लिए सरकार 3 फूड लैब की शुरुआत करने जा रही है। प्रदेश में ग्वालियर, जबलपुर और इंदौर में लगभग 45 करोड़ रुपए की लागत से नई लैब बनाई जाएगी। सरकार की ओर से मंजूरी मिलने के बाद इसी महीने में लैब का भूमि पूजन होगा। यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान दी। उन्होंने बताया कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत से लेकर अब तक लगभग 8,200 छापे मारे गए। छापे मार कर कार्रवाई की जा चुकी है, जिसमें से लगभग 2100 सैंपल की जांच रिपोर्ट मिल चुकी है। मिलावटखोरी करने वाले 96 व्यापारियों के खिलाफ FIR करने के साथ 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई भी की जा चुकी है। सिलावट का कहना है कि नई लैब बनने के बाद समय पर जांच हो सकेगी और मिलावटखोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली के लिए नर्सिंग स्टाफ और विशेषज्ञों की कमी को जिम्मेदार ठहराते हुए स्वास्थ्य मंत्री सिलावट ने कहा कि प्रदेश में लगभग 70% स्वास्थ्य विशेषज्ञों की कमी है। पुरानी सरकार लापरवाही का ठिकरा फोड़ते हुए सिलावट ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की दशा और दिशा दयनीय स्थिति में है, लेकिन कमलनाथ सरकार जनता के हित के लिए लगातार काम कर रही है। पहली बार 2000 NAM और स्टाफ भर्ती के साथ पैरामेडिकल की भर्ती प्रदेश में होने जा रही है। जन्म लेता है, छोटा हो, बड़ा हो, माँ हो, बहन हो या वरिष्ठ हो या सीनियर हो, उनको जो हम सफेद दूध के रूप में जो जाहिर दे रहे थे, दूध, पनीर, मावा, घी की, इसके कारण जो मिलावट के कारण मैंने कहा कि मध्य प्रदेश के भविष्य के साथ, मध्य प्रदेश की बुनियाद के साथ जो कमजोर कर रहे थे, इन मिलावट से नंबर वन कैंसर, नंबर दो पर किडनी खराब होना, लीवर खराब होना, डायबिटीज होना, ब्लड प्रेशर होना, इन बीमारियों को कई वर्षों से ये बीमारियां पहले कभी इतनी नहीं हुई। मैंने सर्वे कराया, जब आप लोगों ने मुझे मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य विभाग की बागडोर सौंपी 1 जनवरी को, मैंने पूछा बीमारी कौन सी सबसे ज्यादा हो रही है, कारण बताओ। तो विशेषज्ञों डॉक्टरों से मैंने सलाह ली, इन्होंने 5 बीमारियों का नाम दिया, मैंने जो आपको बनाया। मैंने इसकी बुनियाद कहा है तो बोले मिलावट। मैंने मिलावट का स्वरूप क्या है, बोले सिंथेटिक दूध, पनीर, मावा, घी, सब्जी, मसाला, इसके कारण ये बीमारियां हो रही हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि आपके निर्देश में, आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश की भविष्य की रक्षा करना है, मिलावट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना है। तो मैं, उन्होंने कहा जितनी कड़ी कार्रवाई कर सकते हो करो, और जो मिलावट का नासूर है मेरे मध्य प्रदेश में नहीं होना है। ये उन्होंने कहा। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार 31 रासुका मिलावट करने वालों के खिलाफ हमने लगाई, 96 FIR मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार पंजीबन बद हुआ, मुकदमे FIR भी दर्ज हुए। एक जिला बदर की लगभग 8,200 ना, जो हमने मिलावट के खिलाफ जो युद्ध के लिए, शुद्ध के लिए युद्ध, जब हमने छापे डाले थे, कार्रवाई की थी, तो इतने सारे सैंपल हमने ले चुके, पर सैंपल की अतिशीघ्र लेप की कमी है मध्य प्रदेश में। हमने निर्णय लिया कि यहां से मध्य प्रदेश के बाहर प्रांतों में, महाराष्ट्र में भी इसको भेजा जाए, वहां से भी आए अभी लगभग 1800
2100 सैंपल की जांच हो चुकी है। मिलावट का प्रतिशत मैं सोचता हूं 50% जो कभी भी आज तक इस स्तर पर कभी नहीं हुआ। मुझे याद है कि कई वर्षों जब भी मैं छोटा था तो दीपावली पे राखी पे सैंपल लिए जाते थे और वो भी नगर निगम में। पर आज ये आवश्यकता इस बात की है कि आम नागरिक के आपके और अपने भविष्य की बात है। मैं इस सरकार के निर्णय जो मिलावट के खिलाफ कमलनाथ जी के नेतृत्व में ये सरकार ने लिया था, मैं इंदौर के बासिंदों को, इंदौर के प्रत्येक नागरिकों को, वकील से लेकर डॉक्टर से लेकर इंजीनियर से लेकर प्रोफेसर से लेकर गुरुजनों से लेकर खिलाड़ी से लेकर तरुण से लेकर बेटियों से लेकर पद्मश्री से लेकर राजकीय सन्नेगी से लेकर सब लोग मिलावट के खिलाफ सड़कों पे थे। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी मैं उनको आभार मानता हूं, उनका धन्यवाद देता हूं। आप जानते हैं कई वर्षों से समा जाता हूं क्योंकि मैं भी श्री माया दो होने का भी मैं वहां पहुंच गया। अब यार इसके लिए मुझे क्षमा करें, 2.5 महीने पहले सम्माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक शुद्ध के लिए युद्ध मिलावट के खिलाफ पूरी सरकार उसका नेतृत्व कमलनाथ जी प्रतिदिन इसकी समीक्षा करते थे। मैंने उनसे जब विधानसभा के अंदर एक अनुरोध किया कि मेरे मध्य प्रदेश के, आपके मध्य प्रदेश के, आपके मध्य प्रदेश के भविष्य को, मध्य प्रदेश की बुनियाद को एक खतरा है। खतरा इस बात का है।